शांति। अगर निर्संकल्प अवस्था में रहते हो तो अपने तो क्या, किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। जैसे कोई देवताओं के पास जाता है तो उनके सामने वह शांत हो जाता है, वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो, तुम्हारे आगे भी किसी का विकारी संकल्प नहीं चल सकता है। परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष हैं जिनका कुछ संकल्प अगर चलेगा तो भी वार नहीं कर सकेगा, अगर तुम योग युक्त होकर खड़े रहेंगे तो। अब क्या होता है, आपकी अवस्था ऐसी हो कि आपके सामने अगर कोई ऐसा आया है तो सबसे पहले तो उसका संकल्प नहीं चलना है, और अगर आपको पता चल गया इसका संकल्प तो आपकी अवस्था कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसका संकल्प उठने भी लगे तो वो भी खत्म हो जाए। आपकी अवस्था इतनी योगयुक्त होनी चाहिए, आपको इतना योगयुक्त खड़े रहेंगे तो। क्लियर? तो निर्संकल्प अवस्था में अपने तो क्या, सामने वालों के भी, आप विकारों को दबा सकते हो, विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। कहीं कहते हैं ना, इसका दृष्टिवृत्ति खराब है, दूसरे पे क्या उंगली उठाते जा रहे हो। अवस्था तो अपनी ही बनाओ कि आपके सम्मुख आते किसी की दृष्टिवृत्ति खराब ना हो पाए। है तो वो भी आत्मा, आई तो वो भी घर से ही है। देखो बच्चे, तुम यहां आए हो परमात्मा को विकारों की आहुति देने, परंतु कोई कोई ने अभी कायदे से आहुति नहीं दी है, उन्हों का योग परम पिता से जुटा हुआ नहीं है। सारा दिन बुद्धि योग भटकता रहता है, अर्थात देही अभिमानी नहीं बने हैं। देह अभिमानी होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते हैं, जैसा भी उनको संग मिलता है, जिस भी स्वभाव का कोई साथ न होता उसके स्वभाव में आ जाते हैं, जिस कारण परमात्मा से प्रीत नहीं निभा सकते हैं। प्रभाव परमात्मा का पड़ना चाहिए और प्रभाव दूसरों के स्वभाव का पड़ जाता है और अपने संस्कार भूल जाते हैं। माना हमारे ऊपर किसका प्रभाव होना चाहिए, बाबा का, बाबा के स्वभाव और संस्कार का, वो हमारे चरित्र से दिखाई देना चाहिए। पर संगठन में आपस में एक दूसरे का संघ का प्रभाव पड़ जाता है, दूसरे का स्वभाव उस दूसरे के अंदर दिखाई देने लगता है। प्रभाव तो पड़ गया ना आपके ऊपर, क्यों? क्योंकि आपकी अवस्था देही अभिमानी नहीं है, देह अभिमान में आप हैं, इसीलिए आपके ऊपर स्वभाव का प्रभाव पड़ा है। अब देह अभिमानी होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते हैं, जिस कारण परमात्मा से प्रीत नहीं निभा पाते। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति।